हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड आपके एचपी पटवारी एग्जाम से, जो कि 2019 में होने वाला है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे सीएम जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने अभी कैबिनेट मीटिंग में अनाउंसमेंट की थी कि जो है पटवारी के 1000 प्लस पद जो है वो भरे जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग आप में से कमेंट करके बोल रहे थे कि पटवारी की तैयारी जो है वो शुरू करवा देनी चाहिए, तभी जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। और सही बात भी है, क्योंकि आप जितना पहले पढ़ना शुरू करोगे उतनी ही आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो आज की वीडियो जो होगी वो लंबी होगी थोड़ी सी, तो जो इंटरेस्टेड हैं वही इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जो तैयारी करना चाहते हैं रियल वे में, बाकी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सब एग्जाम पैटर्न जो है आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। फिर बिल्कुल डिटेल्ड में सिलेबस की, बिल्कुल आपका एक एक पॉइंट सिलेबस में आपका क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे आप अच्छे से उसको अप्रोच कर सकते हो बेस्ट वे में, ठीक है। वैसे हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस। जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है वो बेस्ड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि जो आपका पहले एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेनली पूछे गए थे, उनके बेसिस पे यहाँ पर मैंने डाटा कलेक्ट किया है और उसके अलावा भी जो है आपको बताया है, ठीक है। तो आपको एक तरह से जो है वो बेनिफिट ही मिलने वाला है अगर आप सीरियसली जो है इसके लिए तैयारी करने वाले हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं देखने तो आप अभी से जो है इसको स्किप कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बाद में बात करूंगा, एग्जाम सिलेबस की बाद में बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा आप कैसे तैयारी करोगे। तो यहां पर मैंने कुछ 10 पॉइंट बनाए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो यहां पर डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है इस बार क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, एक एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि अंडरस्टैंड यूर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, यानी कि किस किस सेक्शन से जो है वो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे मैक्सिमम एग्जाम्स में नहीं दिया जाता, बट जहां पर दिया जाता है वहां पर आपको पता होना जरूरी है, उसी के हिसाब से क्या है आपकी तैयारी होगी। अगर मान लीजिए किसी सेक्शन से कम आएंगे तो आपको उसको कम फोकस करना है, किसी सेक्शन से अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम पैटर्न जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सेक्शन पूछ रहे हो, पढ़ रहे हो सॉरी, कि जिसमें आपके क्वेश्चन एक ही आना हो या दो आने हो और आपने उस पर महीने का महीना जो है वो पढ़ने में वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है आपको एग्जाम पैटर्न पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात आती है सिलेबस। आपको एग्जाम पैटर्न पता लग गया, अब आपको सिलेबस की, मान लीजिए आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले रीड करने हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई चुनिंदा टॉपिक आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको सारा पड़ेगा, बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर आपको पहले वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको, अगर आपको फोकस करना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि आपको आज की वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट जो है आपका आज ही कवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना है, रीड एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, मतलब कि आई थिंक 2016 में लास्ट हुआ था, तो जो भी 2016 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना है, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है, बिना किसी तैयारी से पहले। जब भी आप तैयारी करने बैठो उससे पहले आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगला क्या करना है, सॉल्व देम विदाउट एनी प्रैक्टिस। जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक और पेन उठाना है और जितना भी आपको आता है, मैथ्स आता है आपको, जो भी उसमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जीके आती है, साइंस आती है, रीजनिंग आती है, कुछ भी जो भी आपको वहां पर दिख रहा है उसको आपको सॉल्व करना है, किसी भी प्रैक्टिस के बिना। जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं, जो भी आपको आता है आप सॉल्व कीजिए और अपनी जो है आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसको नोट डाउन कीजिए, यानी कि उसको देखिए और उस हिसाब से आपका आगे की स्ट्रेटेजी को जो है वो बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से चलोगे तो तैयारी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ये लगता है बोरिंग चीजें लगती है, बट ये आगे चलकर जो है बहुत फायदा देती है। फिर जब आप इतना कर लोगे तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्टली फोकस करना है आपके वीकर पॉइंट पे। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको पता लग गया आपने विदाउट प्रैक्टिस के एक आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो आपको पता लग गया कि कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां पर आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर, मतलब अगर आप प्रिपेयर कर लो तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपने बिना किसी तैयारी के उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया। बट आपको वहां पर यह भी पता लगेगा कि आपका वीकर पॉइंट कौन सा है, यानी कि आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको वीकर पॉइंट पर जो है आपके फोकस करना है, वहां से आपको पता लग जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फिफ्थ है कि रीड 20 करंट अफेयर्स डेली। सिर्फ मैंने यहाँ पर 20 करंट अफेयर लिखे हैं, ना तो कोई अभी नोटिफिकेशन आई है पटवारी की, ठीक है, तो अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। तो अगर आप 20 करंट अफेयर भी अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत इनफ हो जाएंगे आपके लिए। 10 लेटेस्ट जो डेली के होते हैं, ठीक है, और 10 ओल्ड, यानी कि कोई भी मंथ से आप 10-10 आप एक मंथ चूज कर लीजिए कि मैं जनवरी से पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, तो 10-10 करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बोल रहा हूं, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको फिर 10 भी जो है वो बहुत ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज डेली यूर स्ट्रॉन्ग पोर्शन। अब आपने, मैंने यहां पर बोला था क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना है, जो जिसको आपको लगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपको पता है कि मेरी हिमाचल जीके स्ट्रॉन्ग है, इंडियन जीके या मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर मेरा कोई और सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आपको सिर्फ डेली रिवाइज करना है। क्या होता है, इस पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है कि ताकि आपके माइंड से ये चीज स्किप ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि याद आपको 100% कुछ भी नहीं रहता है, अगर आप रिवीजन करते हो तो ही चीज आपको याद रहती है। नेक्स्ट क्या, वट एवर यू रीड रिवाइज एवरी वीक, ठीक है, कुछ भी आपने पढ़ा है, एक हफ्ते का आपने प्लान बनाया है, ठीक है, कुछ भी बनाया है, यहां पर मैं आपको टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से फॉलो कीजिए। कुछ क्या करते हैं, डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कुछ क्या करते हैं, एक एक दिन जो है एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए, बट आपको वीक में जो है जितना भी आपने पढ़ा है उसको संडे के दिन रख लीजिए, आपको रिवाइज करना है, ठीक है, पूरा टोटल जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो ही जो है आपको याद रहेगा। एट्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू मैथ एवरी डे, ठीक है, जो मैथ्स होता है वो आपको एवरी डे करना है, यानी कि हर रोज करना है। आप चाहे एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट आपको 2 घंटे तो मैथ के लिए निकालने ही निकालने, ठीक है। मैथ क्या है आज के टाइम में, मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, या किसी और की भी करूं, ठीक है, बहुत से लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, तो अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई करोगे तो मैथ्स वैसे भी बहुत से लोगों का छूट जाता है जिन्होंने मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो मैथ्स डेली करें। अगर आप मैथ नहीं करोगे, आप सोचते हो मैं स्किप कर दूंगा मैथ या कर दूंगी, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, तो मैथ आपको अच्छे से करना है, ठीक है, और जिनको आता भी है उनको वो टाइम कम कर सकते हैं अपना, 1 घंटे मैथ को रिवीजन करिए, बट रिवीजन मैथ को डेली आपको करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी आपका शेड्यूल होगा, आप मान लीजिए एक दिन में आप ये सोचा है आपने कि जीके ही पढ़ूंगा, बट आपको 1 से 2 घंटे जो है वो मैथ भी जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ जो क्वेश्चन है, नाइन्थ जो आपका पॉइंट है वो सभी के लिए नहीं है, मेक्स नोट्स इफ यू कैन, ठीक है, कईयों को क्या आदत होती है कि वो सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग से बने नोट्स से ही पढ़ सकते हैं, तो अगर आप उनमें से हो तो जरूर नोट्स बनाइए, अगर आपको बुक के थ्रू याद हो जाता है तो आप बुक के थ्रू याद कीजिए, ठीक है, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट्स ही बनाएं, ठीक है, आपको जैसे भी याद होता है, बात है सिर्फ याद करने से, आपको रिमेंबर रहना चाहिए, एग्जाम में जब आप बैठते हो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तो नोट्स बना सकते हैं। टेंथ जो है वो है वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, आपको वर्क हार्ड करना है बट स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है, वो स्मार्टली कैसे होगा वो मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप रट्टेबाज बन जाओ, बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, और फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। डोंट फील प्रेशर, कोई भी आपके प्रेशर माइंड पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार पटवारी का एग्जाम आ गया है कैसे पढ़ूंगा, होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, जस्ट अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, उसी हिसाब से जो है फिर अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे 10 को, ठीक है, तो आपकी तैयारी आपको एक मंथ के अंदर जो है अपना चेंज देखने को मिल जाएगा अगर आप उस चीज को डेली फॉलो करते हो, ठीक है। डेली हैबिट में जरूर डालना है पढ़ाई को, ठीक है, आप मोबाइल भी डेली चलाते होंगे तो अपनी पढ़ाई को भी जो है डेली हैबिट में डाल लीजिए, तो ही जो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स मैंने बनाए थे, ठीक है, जिनका आई होप आपको बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको तैयारी करनी है, 10 पॉइंट के थ्रू आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर आपको बता देता हूं, जो आपका लास्ट आई थिंक एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था पटवारी का, ठीक है, और अब जो है वो बहुत गैप पड़ चुका है, बहुत टाइम से जो है पटवारी की पोस्टें नहीं निकली है, तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि अब जो नया एग्जाम पैटर्न आएगा हो सकता है कि वो चेंज होकर आए, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि पुराना एग्जाम पैटर्न ही जो है वो फॉलो किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो ही एग्जाम पैटर्न हो जो आपके पास पहले था, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो जाए। अगर नहीं होगा तो आपका जो आज मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा तो वो ही फॉलो होगा, बट अगर हो जाता है तो आप जीके स्टडी के साथ जुड़े हुए हो, जैसे ही चेंज होगा आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, बट इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, बट जो सिलेबस होगा वो वही रहेगा, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बात क्लियर कट कर दी है कि हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न
चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत साल बाद जो है ये एग्जाम होने वाला है, तो क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे उसका अभी किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। बट मैक्सिमम चांसेस ये भी है कि एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहे, तो वो चीजें बाद में देखी जाएगी, जब भी नया आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और अगर पुराना ही रहा तो आपके लिए ही वो बेनिफिट है। बट सिलेबस जो है वो सही, आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो आपको सिलेबस जो है पहले पता होना चाहिए। तो देखिए टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, 100 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, और 1.5 घंटे का आपको जो है टाइमिंग मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अब सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, हिंदी। हिंदी से आपके जो पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो आपके 25 पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, तो इसके जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करें जीके की तो एचपी प्लस इंडिया प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर, इसके क्वेश्चन जो है वो आपके 25 पूछे जाते हैं। यानी कि जीके में आपका हिमाचल भी आ गया, उसके बाद आपका इंडिया भी आ गया, उसके बाद आपकी साइंस के क्वेश्चन भी आ गए, उसके बाद आपके करंट अफेयर की भी आ गए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 100। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। करना कौन सा है, जो भी आपका इनमें से वीकर पार्ट है उस पर आपको पहले फोकस करना है, ठीक है। अगर आपकी हिंदी वीक है तो 25 मार्क्स की आपको हिंदी पता है कि आनी ही आनी है, ठीक है, तो हिंदी पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। 25 नंबर वैसे ही आपको कलेक्ट अपना एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, माइंड में बना लीजिए चाहे, तो उसमें उसके हिसाब से देखिए कि आपको हिंदी अगर आपकी अच्छे से तैयार है और आपको पता है कि मैं हिंदी में 25 में से 20 प्लस तो लेकर ही आऊंगा, ठीक है, तो आपको इसी तरह से जो है अपने मार्क्स जोड़ने हैं कि चारों सेक्शन में आप कितने कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो और आपकी जो है क्या आउटपुट निकल रही है, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिंदी के सिलेबस के बारे में कि हिंदी में कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे, और ये जो सारे सेक्शन है वो मैंने प्रीवियस ईयर से मेन मेन जो पूछे गए थे वो सभी ऐड किए हैं, उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट है वो ऐड किया है। सबसे पहले बात करते हैं समास की, ठीक है, समास से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे आपके पास आते हैं, 3 से 4 मुहावरे पूछे जाते हैं, एक ना आधा, ठीक है। रिक्त स्थान जो है आपके पास, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वो पूछे जाते हैं। शब्द क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, वाक्य क्या होते हैं, अनेक शब्द, ठीक है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप आप समझ लीजिए, वो पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्य, यानी कि कोई वाक्य दे दिया जाएगा उसको शुद्ध करो, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग से बनते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, संधि विच्छेद प्रीवियस में नहीं पूछी गई थी बट ये इंपॉर्टेंट है, और उच्चारण स्थान। तो ये जो सारे सेक्शन, मतलब जो भी टॉपिक है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि प्रीवियस पेपर्स जितने भी है, मेरे पास 3 पड़े हैं, ठीक है, 2016 के, उससे पहले के भी 2 पेपर्स पड़े हैं, तो उनमें जो है वो इनसे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जब इनकी तैयारी कर लो तो आप हिंदी की ग्रामर देख सकते हो कि बाकी आपका क्या पोर्शन जो है वो स्किप हुआ है, ठीक है। बट सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, जो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं उन पर करना है, ठीक है, एक एक करके आप इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स में क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक नोट देख लीजिए कि डोंट फोकस टू मच ऑन रीजनिंग, ठीक है। टू मच क्या, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको रीजनिंग पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। मैंने जितना एनालाइज किया है, 1 से 2 क्वेश्चन, हार्डली 1 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का पूछा जाता है, वो भी आपका नंबर सीरीज वाला, जिसको आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, आसानी से। अगर नहीं भी आता है तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है 1 क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है। बट अगर आपके लिए एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है, और तो आप रीजनिंग वहां पर भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो भी आप उसको कर लोगे, बट आपको रीजनिंग पर ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे रीजनिंग पर लगा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 से 1 क्वेश्चन जो है वो हार्डली पूछा जाता है रीजनिंग का। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पटवारी लगोगे तो आपको मैथ्स तो जरूर आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक करना है वो है नंबर्स, ठीक है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी कि आपके पास कुछ इक्वेशंस दी जाती है, उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, 3 सही 4/2 इंटू 3 सही 5/6, फिर आपको 15 सही 2/3, ठीक है, तो इसको इक्वल करके कितना आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज, एवरेज आपके क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको एवरेज के, ठीक है। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मैक्सिमम टाइम, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। टाइम एंड वर्क, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको पहले पता होने चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, इससे बनता ही बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, कि राम की आयु उसकी आयु से इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स से, कि ये एक नाव जल की धारा में इस तरफ की डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट जा रही है, ऐसे, ठीक है, और उससे बाद अदर, ठीक है। यानी कि अगर आप आपको मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, जैसे कि आपके नंबर्स हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको रेशियो निकालनी आनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए, एवरेज आनी चाहिए, ठीक है, तब जाके जो
जो है अगर आपने कर लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी आपको कई बार रेशियो निकालनी पड़ती है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, तो ये कर लीजिएगा। रीजनिंग पर आप फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग का एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा या फिर इसी तरह के जो है वो भी मैथ में इंक्लूड मान लीजिए आप, नंबर सीरीज वाला वही पूछा जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा, इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहला जो है वो पैसेज पूछा जाता है, ठीक है, पैसेज में जो प्रीवियस में पूछा गया था। अब जरूरी नहीं है कि पैसेज प्रीवियस में पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए थे, वो आपकी किस्मत अच्छी है कि अगर आपसे पैसेज पूछ ले जाए। फिर होते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपके पास 3 से 4 दिए जाते हैं। फिर कंजक्शन होगी, आपको कंजक्शन भरनी पड़ती है। फिर प्रपोजिशन होगी, वो फिलअप करनी पड़ती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, ये तीनों भी प्रीवियस में आस्क किए गए हैं। सिनोनिम एंटोनियम्स, ठीक है, इनको आपको स्किप करना पड़ेगा। ये अगर आपकी हैबिट में, डेली हैबिट आपकी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, चाहे आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हो या फिर आप वर्ड्स को नोट डाउन करते हो, तो ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम का टाइम आने वाला है, ठीक है, मैं सिनोनिम एंटोनियम्स पढ़ लेता हूं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप 1000 भी पढ़ लो, अगर उन्होंने कहीं और से पूछना है तो आप वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस पर वर्क आपको या तो न्यूज़पेपर में आपकी हैबिट होनी चाहिए, या आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो और उसके वर्ड्स नोट डाउन करते हो, तो ही। फ्रेजेस इडियम, ठीक है, ये भी जो है पूछा जाता है। करेक्ट स्पेलिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, करेक्ट स्पेलिंग। आपके पास 4 स्पेलिंग्स दी होगी, उनको आपको करेक्ट करना है। टेंसेज आपको बेसिक पता होना चाहिए, इन सभी को पढ़ने के लिए आपको टेंसेज का पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए और अदर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको सबसे पहले कवर करने हैं, उसके बाद अगर आपको कुछ बचता है तो आप आगे फर्दर जा सकते हो। बट अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क के ऊपर कि इतना आप अच्छे से तैयारी करते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं जीके की, ठीक है। तो जीके पे मैंने यहां पर कोई भी टॉपिक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं। सबसे पहला नोट क्या है, डोंट फोकस ऑन साइंस, ठीक है। साइंस का 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, एज सेम एज रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का जैसे पूछा जाता है वैसे साइंस का पूछा जाता है, तो साइंस पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 1 क्वेश्चन आएगा वो आपको आ जाएगा, ठीक है, आराम से। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन मेन टॉपिक्स ऑफ एचपी एंड इंडियन जीके, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए 25 है, 25 में से आपकी एचपी जीके आएगी, ठीक है, प्लस इंडियन जीके आएगी। करंट अफेयर मैं आपको छोड़ ही देता हूं, करंट अफेयर को मैं यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कि 10 आपको लेटेस्ट और 10 आपको आपके प्रीवियस के पढ़ने, तो एचपी भी आएगी इंडियन भी आएगी। अब 25 में से मान लीजिए आपके कितने भी पूछे जाते हैं, तो आपको जो है पहले मेन टॉपिक पर इंडियन जीके की और एचपी जीके की फोकस करना है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, जब भी आप रिवर्स पढ़ोगे एचपी की भी पढ़ लो, इंडियन की भी पढ़ लो, ठीक है। आप माउंटेन्स पढ़ रहे हो तो एचपी के भी पढ़ लो और इंडियन के भी पढ़ लो, ठीक है। साथ ही साथ आपको पॉलिटी वाले में आपको ये राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे पीएम होते हैं, ठीक है, संसद होती है, ठीक है, संविधान होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेन जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर, ठीक है, वो उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। बट पहले आपको जो है कंप्लीट आपकी जीके करनी है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया 10 आप डेली के अगर पढ़ोगे तो आपके वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर मैंने टॉपिक्स इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि एचपी के टॉपिक आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एचपी में आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि धामी गोलीकांड से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस में पूछे गए थे, जो आपकी सभाएं बनती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यहां पर ये नहीं बोल सकता मैं कि डीप नहीं आएगा या फिर ऊपर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा मेन टॉपिक पर, ठीक है। एक तरह से चलिए आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो, मान लीजिए आपने टारगेट रखा है 1 से 2 हफ्ते में मैं अपनी पूरी ज्योग्राफी खत्म करूंगा या करूंगी, तो उसी हिसाब से चलिए और एक एक टॉपिक को रीड कीजिए, उसी हिसाब से आपको इंडियन जीके फॉलो करनी है। तो ये है आपका पूरा सीन। साइंस को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, स्किप कर दीजिए, कोई पंडित की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो बेसिक से पूछे जाते हैं, जो आप इजीली बता पाओगे क्योंकि अगर आपने पहले भी प्रीवियस में आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी हो तो आपने जरूर उसके बारे में पढ़ा होगा। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो आप बोर भी हो गए होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और तभी मुझे भी बेनिफिट मिलेगा वीडियो बनाने का, कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो। बाकी सबकी अपने तैयारी करने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके में एक एक सेक्शन करके जीके वाला सेक्शन किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस जो भी मेरे पास 3-4 क्वेश्चन पड़े हैं, पेपर पड़े हैं, उनके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप बोलना चाहें, ठीक है, प्रॉपर वे में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।